बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्सी पर नमाज पढ़ने का मसला, पूरी जानकारी, मुकम्मल मसाइल आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। दारुल उलूम देवबंद का फतवा, जो माहाना दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 95 और शुमारा नंबर 6 रजब के महीने में 1432 में जो शाये हुआ था, उसमें देवबंद का फतवा मौजूद है। उसके अलावा किताबुल मसाइल है, फतावा कासमिया है, किताबुल नवाजिल है, अहसनुल फतावा है, आपके मसाइल और उनके उनका जो है हल है, और उसके अलावा बहुत सी किताबों को सामने रखने के बाद ये मसाइल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले समझ लें, कोई आदमी ऐसा है जो खड़ा भी हो सकता है, क़याम भी कर सकता है, रुकू भी कर सकता है, सजदा भी कर सकता है। अगर ऐसा आदमी है और कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज होगी नहीं, यानी नमाज ही उसकी दुरुस्त नहीं हुई, दोबारा पढ़ना उसके लिए जरूरी हो जाएगा। देखते हैं, अगर गौर फिक्र करते हैं, पता चलता है कि चलता है, फिरता है, इधर उधर जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब नमाज की बात आती है कुर्सी पे बैठ जाता है और कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने लगता है। तो इसीलिए यह मसला भी बहुत अहम था। दूसरा मसला इसमें यह भी समझिए, एक आदमी ऐसा है जो खड़ा तो नहीं हो सकता, कयाम नहीं कर पा रहा है, लेकिन रुकू और सजदा कर सकता है। रुकू तो खड़े हो गए नमाज जो है नहीं पढ़ पाएगा, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो बैठ के जब नमाज पढ़ेगा तो रुकू भी कर लेता है और सजदा, जमीन पे जिस तरह हम सजदा करते हैं वैसे सजदा भी कर लेता है। तो ऐसे आदमी के लिए जरूरी है कि वो बैठ के वैसे ही नमाज पढ़े रुकू सजदे के साथ। अगर ऐसा आदमी कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता है, उसकी भी नमाज नहीं होगी। मसला बिल्कुल साफ है और तमाम इस पे मुत्तफिक हैं, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है ये दो मसाइल पे। तीसरा आदमी ऐसा है जो कयाम नहीं कर पाता है और रुकू सजदा भी नहीं कर पाता है, रुकू नहीं कर पाता है या फिर सजदा नहीं कर पाता है, कोई भी हो ऐसा है जो इन कामों से माजूर है वो। अब उसके लिए मसला है कि वो अब इशारे से नमाज पढ़ेगा। अब इशारे से जो नमाज पढ़ेगा ऐसा आदमी अगर है, जमीन पे बैठेगा, रुकू सजदा इशारे से करेगा, रुकू में जरा से झुकेगा, कितना झुकेगा, कम से कम रुकू में एक कोशिश करे कि मैं ज्यादा झुकने की कोशिश करूं और सजदे में उससे ज्यादा झुकने की कोशिश करूं। रुकू में जितना झुका था सजदे में उतना झुकेगा उसी के बराबर, तो नमाज नहीं होगी। सजदे में रुकू से ज्यादा झुकना जरूरी है और ये इशारे से नमाज पढ़ना है। ऐसा आदमी उसके लिए है कि वो जमीन पे बैठ के नमाज पढ़े। अगर ऐसा आदमी कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है, एक एक मसला पहले से हल करते हुए चल रहा हूं, समझ अच्छे से गौर से समझिएगा, न समझ पाए तो वीडियो फिर से देखिए, बार बार देखिए, उलमा से पूछिए। तो ऐसा आदमी जो इशारे से नमाज पढ़ रहा है, अगर वो आदमी जमीन पे बैठ के नमाज न पढ़ के कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन उस आदमी के लिए भी कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, जायज नहीं है, मना है। ऐसा आदमी कुर्सी पे बैठ के हरगिज नमाज न पढ़े। हाँ, नमाज उसकी हो जाएगी, पहले मसले में नमाज ही नहीं हो रही थी, दोनों मसले में, इस मसले में नमाज उसकी हो जाएगी, लेकिन ये काम गलत कर रहा है, कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए था, जमीन पे बैठ के नमाज पढ़े, इशारे से नमाज पढ़े। अगर कोई आदमी ऐसा है, इशारे से नमाज पढ़ रहा है, रुकू सजदा नहीं कर पा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ जमीन पे जब बैठने की बात आती है बैठ भी नहीं पाता है, जमीन पे बैठ नहीं पाता है, हमेशा कुर्सी वर्सी पे या पलंग वलंग पे या किसी और ऊंची जगह पे बैठा रहता है, कभी नीचे बैठ ही नहीं पाता है, बैठना उसके लिए दुश्वार है, मुश्किल है। अब ऐसा आदमी अगर कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज भी हो जाएगी, उस वक्त कुर्सी पे बैठना भी उसके लिए जायज हो जाएगा नमाज के वक्त। ठीक है, मसला बहुत बारीकी है। लोग कहते हैं कि अरे जब बैठ के जमीन पे नमाज पढ़ेंगे ना, तो होता यह है कि पैर सीधे करने में तकलीफ होती है, पैर का बड़ा मसला हो जाता है, हम जिस तरह अत्तहियात में तशहुद में बैठते हैं वैसे नहीं बैठ पाते हैं, क्या करेंगे भाई। उनके लिए भी मसला है, वैसे आदमी के लिए, उस तरह के आदमी के लिए वो पैर क़िबले की तरफ सीधा कर दे। अगर वो पैर मोड़ के नहीं बैठ पा रहा है, पैर जो है जिस तरह हम तशहुद में बैठते हैं उस तरह नहीं बैठ पा रहा है, सीधा निकाल दे क़िबले की तरफ, या जिस तरह उससे हो रहा है, जिस तरह वो बैठ रहा है उसको बैठने में आसानी हो रही है, वो उस तरह बैठ के नमाज पढ़ ले, क्योंकि माजूर है,
वो जिस तरह भी बैठ के नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज हो जाएगी और उसकी नमाज बिल्कुल सही दुरुस्त हो जाएगी। हाँ, अगर अच्छा सब कुछ सही है, तबीयत वगैरह दुरुस्त है, फिर वो बैठ के अगर नमाज पढ़ रहा है नफिल नमाज, तो नफिल नमाज तो बैठ के भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नफिल नमाज का मसला जरा अलग है, ठीक है। तो ऐसे आदमी के लिए है कि जो तंदुरुस्त है, सही से है, वो बैठ के नमाज पढ़ रहा है, तो वो अत्तहियात की तरह बैठे, तशहुद की तरह बैठे, उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो वो जिस तरह चाहेगा उस तरह बैठ सकता है। हाँ, किबले की तरफ चेहरा होना चाहिए, चाहे किबले की तरफ पैर करना पड़े, उस वक्त पैर करना भी जायज हो जाएगा किबले की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जरा और समझिए, ये तो कब जायज है कब नाजायज है कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना, पूरी जानकारी मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। अब उसके बाद जरा और आगे समझिए, कुर्सी पे जो नमाज पढ़ रहे हैं वो भी बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं। एक तो जायज सूरत होती नहीं है तो नमाज होगी नहीं, और जिन सूरतों में जायज हो जाती है, नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज हो जाती है, उसमें भी बड़ी बड़ी गलती होती है उनसे, उसकी भी उलमा ने निशानदेही की है। वो क्या है, जैसे कुछ आदमी ऐसे हैं जो थोड़ी देर खड़े रहते हैं, उसके बाद फिर बैठ के रुकू सजदा करते हैं कुर्सी पे ही, जब क्याम करते हैं, जब किरात करते हैं, जब इमाम साहब भी खड़े रहते हैं, खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, क्याम है, किरात के वक्त खड़े रहते हैं, जब रुकू और सजदे की बारी आती है तो बैठ जाते हैं, या फिर रुकू तो कर लेते हैं, सजदे की बारी आती है तो बैठ जाते हैं कुर्सी पे, चेयर पे बैठ जाते हैं। यह तरीका गलत है। हुआ क्या है, उनसे इस तरह नमाज तो हो जाएगी, जो इस तरह कर रहे हैं उनकी नमाज तो हो जाएगी, वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए कि उनको गलत मसला समझ में आ गया, तब उनको ये गलती हो गई। उनसे क्या है वो जरा समझिए, उनके लिए सही तरीका ये है, अगर वो उनके लिए कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना जायज था, रुकू सजदे पे कादिर नहीं थे, कयाम भी नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा आदमी शुरू से बैठा रहे, बिल्कुल जब नमाज शुरू हो, खड़े होने की जरूरत नहीं। मसला यही है, जो आदमी रुकू सजदा नहीं कर पाता है, इशारे से नमाज पढ़ता है, वो उससे कयाम साकित है, खड़े होने की जरूरत नहीं, वो बैठ जाए, शुरू से बैठा रहे, खड़े होने की जरूरत नहीं, हुआ बैठ जाए और नमाज अपनी पढ़ता रहे, बस वैसे आदमी के लिए सही तरीका यह है कि वो बैठा रहे, शुरू से बैठे, बीच में बैठने की जरूरत नहीं है, शुरू से बैठे, रुकू सजदा सब इशारे से करता रहे, ये सही तरीका था। अब गलत मसला क्या समझे हैं वो समझिए, एक मसला जब बारीकी नहीं समझते हैं तो गलती होती है, क्या समझे हैं, समझे ही हैं कि जो आदमी थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सकता है उसके लिए जरूरी है कि वो खड़े होकर नमाज पढ़े, फिर उसके बाद जो है उसके लिए जरूरी है कि थोड़ी देर खड़ा हो, जरूरी है उसके लिए, इस मसले से उनसे गलती हो गई। जबकि मसला यह सिर्फ इतना नहीं है, ये उस आदमी के लिए है जो रुकू और सजदा भी कर सकता है और खड़ा भी हो सकता है थोड़ी देर, तो ऐसा आदमी खड़ा हो जाए और खड़ा होके थोड़ी देर के लिए खड़ा होता है तो थोड़ी देर ही खड़ा होकर नमाज पढ़े, जब अब ताकत नहीं रहती है, अब उसकी जो है लाचार हो जाता है, तब वो बैठ जाए और रुकू सजदा करके नमाज पढ़े, ये उस आदमी के लिए मसला था। लेकिन यहां वो मसला नहीं है, यहां तो इशारे से नमाज की बात है, यहां इशारे से नमाज पढ़ने वाले के लिए है कि वो शुरू से बैठा रहेगा, उसको खड़े होने की जरूरत नहीं। जो आदमी इशारे से नमाज पढ़ रहा है, रुकू सजदा इशारे से कर रहा है, उसके लिए है कि उससे कयाम खड़ा होना ही साकित हो जाता है, खड़ा होना अब उसके लिए जरूरी ही नहीं रहा। मसला समझिए, लोग बड़ी बड़ी गलती कर जाते हैं, समझते नहीं है, पता नहीं क्या क्या किस तरह का क्या कौन सी किताब पढ़ लेते हैं, खुदा जाने। इसीलिए सही आलिम से राबता करेंगे तो आप सही मसला समझेंगे, वरना बड़ी बड़ी गलती कर जाएंगे आप, मसला एक मसले को दूसरे मसले पे लेके कयास करके अपना दिमाग लगा देंगे, गलती हो जाएगी आपसे। तो इसीलिए वह आदमी शुरू से बैठे, उसके लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इशारे से नमाज पढ़ने के लायक है। तो एक तो ये गलती करते हैं, दूसरी गलती क्या करते हैं, ने सामने टेबल रख देते हैं, बैठ के तो नमाज पढ़ते हैं, चाहे शुरू से खड़े हों या बैठे हों, लेकिन कुर्सी पे नमाज पढ़ रहे हैं, सामने टेबल रख देते हैं, अब जब रुकू की बारी आती है झुकते हैं, लेकिन सजदे की बारी जब आती है टेबल पे जाके सजदा करते हैं, ये भी सरासर गलत है। वहां टेबल किताबों में लिखा है, टेबल जो सामने रखते हैं, इस तरह टेबल सामने रखना बेफजूल है, बेफजूल लिखा है, फजूल है ये ऐसा करना, और उलमा ने लिखा भी है कि इसकी न ये मुस्तहब है न अफजल है, कुछ नहीं है। क्या करना भाई, इशारे से नमाज पढ़े, रुकू में जरा झुक जाए, सजदे में उससे ज्यादा झुक जाए, सामने टेबल रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखिए लोग कहां से गलत गलत मसला उठा के ले आए, अब उसको चलाना शुरू कर दिया अपनी मर्जी से, न कभी किसी से पूछा, जब पूछेंगे सही आलिम से पूछेंगे तभी तो सही मसला पता चलेगा। अब कहां किससे क्या पूछ लिए, क्या मसला था किताब में, कौन क्या समझा क्या बता दिया,
अब वो टेबल सामने रख के जो है शुरू कर दिया सजदा करना। गलती है ये, लोगों की बड़ी गलती है, ऐसा नहीं है। सही है कि टेबल वेबल रखने की जरूरत नहीं, आप इशारे से नमाज पढ़िए, रुकू सजदा करिए। एक और गलती करते हैं, जब टेबल सामने नहीं होता है ना, अब क्या करते हैं, रुकू के वक्त तो अपने घुटने पे हाथ रखते हैं, रुकू करते हैं, झुकते हैं, जब सजदे की बारी आती है हाथ लेके लटका देते हैं। जैसे सजदे में हाथ सामने रखते हैं ना, वैसे हाथ सामने रख के झुक जाते हैं, घुटने से हाथ उठा के सामने लटका के रखते हैं, ये भी गलती है। घुटने में जो हाथ रखेंगे सजदे के वक्त भी रखेंगे, ये गलती मत करिए। पता नहीं कहां से कौन क्या बता दिया, फिर अजीब बात है लोगों में, क्या कहा जाए। इसीलिए सही तरीका यह है, रुकू के वक्त भी आपका हाथ घुटने पे रहे, सजदे के वक्त लटकाने की जरूरत नहीं, वही हाथ रहे घुटने पे, और सजदे में रुकू से ज्यादा झुक जाइए, आपका सजदा हो गया, बस मसला इतना ही है, आसान है। और ये तमाम मसाइल बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। आज के दौर में कुर्सी को आम किया जा रहा है, और कुर्सी का मसला बड़ा अहम है। मैं बता चुका हूं कि कुर्सी में नमाज पढ़ना उसी वक्त जायज होगा जब आदमी बिल्कुल जमीन पे बैठने पे भी लाचार हो जाए, तब जाके, वरना नमाज तो होगी अगर इशारे से नमाज पढ़ने के वो जो है लायक है, यानी इतना बीमार है कि इशारे से नमाज पढ़ना उसके लिए जायज है, तो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ ले, नमाज तो हो जाएगी। लेकिन मसला बड़ा टेढ़ा है, मैं बता चुका हूं आपको, समझ लीजिएगा इसे। लोग घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, नमाज की बारी आती है बस कुर्सी पे बैठ गए, आके चल चल के मस्जिद आएंगे, लेकिन जब नमाज की बात आएगी कुर्सी पे बैठ जाएंगे, क्या बात है। कोई कहते हैं कि अरे मैं जमीन पे बैठ नहीं पाता हूं, जमीन पे नहीं बैठ पाते हो फिर पेशाब पैखाना, क्या हमेशा ऐसी कुर्सी पे घूमते रहते हो, हमेशा कुर्सी पे बैठे रहते हो? हाँ, कोई अगर आपको ऐसी बीमारी है हमेशा कुर्सी पे बैठे रहते हैं, या हमेशा किसी ऊपर चीज में सोए रहते हैं, किसी पलंग वलंग पे सोए रहते हैं, ठीक है वो तो आपकी मजबूरी है, फिर वही मसला मैं बता चुका हूं आपको। अगर ऐसा नहीं है तो जमीन पे बैठ के नमाज पढ़िए। हाँ, अगर जमीन पे बैठना भी आपसे दुश्वार हो रहा है, आप जमीन पे बैठ भी नहीं पा रहे हैं, लेट जाइए, सो के नमाज पढ़िए, लेट के नमाज पढ़ना उसके बाद है, ये सब हदीस में आया है। लेकिन लोग क्या कहा जाए, अजीब गरीब हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। याद रखिए, अगर नमाज बड़ी अहम इबादत है, नमाज को अगर गलत तरीके से अदा करेंगे, नमाज पढ़ते हुए भी आपकी नमाज नहीं होगी, अफसोस करके बाद में पछतावा होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए नमाज दुरुस्त करिए, अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं। हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें, और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिया मदद कर सकते हैं।